पार्ट दस अंधेर नगरी चौपट राजा इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जैसा राजा होता है वैसी शासन व्यवस्था होती है राजा अयोग्य भी हो तो सभी उसकी आज्ञा मानने को विवश होते हैं पाठ में समझाया गया है कि मूर्खों की संगति सदैव कष्टकारी होती है आइए जानें कि मूर्ख की संगति का दुष्परिणाम क्या होता है पात्र महंत नारायण दास गोवर्धन दास कुंजड़िन हलवाई राजा फरियादी कल्लू कारीगर चूने वाला भिश्ती कसाई गड़रिया कोतवाल सिपाही मंत्री पहला दृश्य स्थान शहर से बाहर सड़क महंत जी और दो चेले आपस में बातें कर रहे हैं। महंत बच्चा नारायण दास या नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे नारायण दास गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा गोवर्धन दास जाता है गोवर्धन दास से क्यों भाजी क्या भाव है कुंजड़िन बाबा जी टके सिर सब भाजी टके से वाह वाह बड़ा आनंद है हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई क्या भाव है हलवाई टकेसेर, वाह वाह बड़ा आनंद है सब टके से बच्चा इस नगरी का क्या नाम है अंधेर नगरी और राजा का क्या नाम है चौपट राजा वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके भाजी टके खाजा तो बाबा जी कुछ लेना हो ले लें बच्चा भिक्षा मांगकर कर सात पैसे लाया हूँ साढ़े तीन से मिठाई दे दे महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और गोवर्धन दास दूसरी ओर से आता है बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया गठरी तो भारी मालूम पड़ती है गुरु जी महाराज भीख में सात पैसे मिले थे उसी से साढ़े तीन से मिठाई मोल ली है बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टका से मिलती है तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके भाजी और टके खाजा मिलता है गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा टके भाजी टके खाजा तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके भाजी टके खाजा मिलता है मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा गुरु जी मैं तो इस नगर को छोड़ कर नहीं जाऊँगा और जगह दिन भर भीख मांगो तो भी पेट नहीं भरता मैं तो यही रहूंगा देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा मैं तो जाता हूँ पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना यह कहते हुए महंत चले जाते हैं दूसरा दृश्य राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान बैठे हैं पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द होता है राजा कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं फरियादी दुहाई महाराज दुहाई बोलो क्या हुआ महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई न्याय हो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ नौकर लोग दौड़कर कल्लू बनिए को पकड़ लाते हैं क्यूरे बनिए इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई कल्लू महाराज मेरा कोई दोष नहीं कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई की गिर पड़ी अच्छा कल्लू को छोड़ दो कारीगर को पकड़ लाओ कल्लू जाता है नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं क्यूरे कारीगर इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर गई अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ कारीगर निकाला जाता है चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है चूरे चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई महाराज भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया इसी से चूना कमजोर हो गया तो भिष्टी को पकड़ो भिश्ती लाया जाता है क्यूरे भिश्ती इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई भिष्टी महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया अच्छा भिष्टी को निकालो कसाई को लाओ लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते है क्यूरे कसाई तूने ऐसी मसक क्यों बनाई कसाई महाराज गडरिए ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची की मसक बड़ी बन गयी अच्छा कसाई को निकालो गडरिए को लाओ कसाई को निकाला जाता है गडरिया लाया जाता है क्यूरे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यूँ बेची महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया मेरा कुछ कसूर नहीं इसको निकालो कोतवाल को पकड़ कर लाओ कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है क्यूँ कोतवाल तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गड़दिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी कोतवाल महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं तीसरा दृश्य गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या खाते पीते मस्त पड़े हैं चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं सिपाही चल बेचल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है आज मजा मिलेगा घबरा कर है यह आफत कहाँ से आई अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो सिपाही बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था जब उसे फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है नहीं तो न्याय नहीं होगा गोवर्धन दास चिल्लाता है सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं चौथा दृश्य हाय बाप रे मुझे बेकसूरी फांसी देते हैं अभी चुप रहे राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है हाय मैंने गुरु जी का कहना न माना उसी का यह फल है गुरु जी कहाँ हो बचाओ गुरु जी गुरु जी महंत जी आते हैं अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या दशा है हाथ जोड़ कर गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है गुरु जी बचाओ कोई चिंता नहीं भाव चढ़ा कर सिपाहियों से सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो सिपाही गोवर्धन दास को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं गुरु जी चेले को कान में समझाते हैं तब तो गुरु जी हम अभी फांसी चढ़ेंगे नहीं बच्चा हम बूढ़े हुए हमको चढ़ने दो इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं यह क्या गोलमाल है महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है राजा गुरु से बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं राजा इस शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा मंत्री तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे नहीं हम हमको हुक्म है हम लटकेंगे हमारे सबब से तो दीवार गिरी चुप रहो तुम लोग राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी करो